दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैटरी रेंज कंपैरिजन कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बीच में, जिनमें आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Realme 6, Realme 6 Pro, Poco X2, Samsung Galaxy M21 और यहाँ पर हमने Realme X2 को भी इंक्लूड किया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ये एक ही फ़ोन है, सिर्फ यहाँ पर इन दोनों ही फ़ोन्स में डिफरेंस देखने मिलता है इनका कैमरा और चार्जिंग स्पीड में। जी हाँ, दोनों ही फोन्स में हमें 5020mAh का बैटरी देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट यूज़ होता है और दोनों ही फ़ोन का स्क्रीन साइज 6.67 इंचेस का है, जहाँ पे IPS डिस्प्ले यूज़ किया गया है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का आता है Redmi Note 9 Pro Max में, जबकि 48 मेगापिक्सल का आता है Redmi Note 9 Pro में, और जो चार्जिंग स्पीड है वो है 18 वॉट और 33 वॉट। तो सिर्फ ये दो डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही फोन की चार्जिंग हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटरी की, प्रोसेसर की, तो वो सब कुछ सेम है। तो अब मैं इन सभी फोन को सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं ये सभी फोन हैं 100% बैटरी के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी फ़ोन कनेक्टेड हैं वाईफाई नेटवर्क से और जो ब्राइटनेस है वो मीडियम लेवल पर रखी गई है। इसके अलावा ब्लूटूथ, GPS और सिंक को ऑन रखा गया है। तो चलिए अब टाइमर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन हमें कितना स्क्रीन टाइम दे पाता है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सिर्फ रियलमी X2 ही ऐसा फ़ोन है जो कि आपको एंड्रॉयड 9 मिस पाई के साथ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक इसका अपडेट नहीं आया है और जो बाकी सारे फ़ोन्स हैं ये आपको मिलते हैं एंड्रॉयड 10 के साथ में। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं 2 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और उसके बाद चेक करेंगे इन सभी फ़ोन्स का बैटरी स्टेटस। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों बैटरी साइज़ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Redmi Note 9 Pro और Max दोनों में ही आपको मिलता है 5020mAh का बैटरी, Realme 6 और Realme 6 Pro में दिया गया है 4300mAh का बैटरी, 4500mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है Poco X2 में, Realme X2 में है 4000mAh का बैटरी, जबकि Samsung Galaxy M21 में है 6000mAh का बैटरी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बता दें कि Snapdragon 720G चिपसेट यूज़ होता है Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max में, जबकि Snapdragon 730G चिपसेट यूज़ होता है Poco X2 में। अगर हम बात करते हैं Samsung Galaxy M21 की, तो यहाँ पर दिया गया है Exynos का 9611 चिपसेट, Realme 6 में यूज़ होता है MediaTek का Helio G90T चिपसेट और दोस्तों Realme X2 में भी Snapdragon 730G चिपसेट ही यूज़ होता है। स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं तो ये सभी फ़ोन हमें देखने को मिल रहे हैं 6.4 इंचेस से लेके 6.67 इंचेस तक के। यहाँ पे इन सभी फ़ोन्स में फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन को यूज़ किया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो M21 और Realme X2 ये दो ऐसे फ़ोन हैं जहाँ पर आपको एक सुपर AMOLED पैनल देखने को मिल रहा है, बाकी सारे ही फ़ोन्स आपको मिलते हैं एक IPS पैनल के साथ में। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो Realme 6 और Realme 6 Pro 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिल रहे हैं, Poco X2 हमें देखने को मिल रहा है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, और बाकी जो तीनों फ़ोन्स हैं ये आते हैं 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। और दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए हम मैक्सिमम रिफ्रेश रेट का ही यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, Poco X2 में 120Hz, Realme 6 और Realme 6 Pro में 90Hz और बाकी तीनों फ़ोन्स में 60Hz। चलिए दोस्तों अब 2 घंटे भी कंप्लीट हो चुके हैं, देख लेते हैं कि इनका बैटरी स्टेटस क्या है। तो दोस्तों 2 घंटे के बाद हमें देखने को मिल रहा है Poco X2 है 76% पे, 74% पे आ चुका है Realme 6, 79% पे है Realme 6 Pro, 85% पे है Redmi Note 9 Pro Max, 83% पे है Realme X2 और 87% पे है Samsung Galaxy M21। चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सट्रीम गेमिंग। जी हाँ, Alpha 9 प्ले करेंगे करीब 1.5 घंटे तक, उसके बाद देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है। तो दोस्तों 3 घंटे और 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं फ़ोन्स को यूज़ करते हुए, 48% पे आ गया है Poco X2, जी हाँ 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में चल रहा है, 46% पे है Realme 6, 60% पे आपको देखने को मिलता है Realme 6 Pro, 68% पे है Redmi Note 9 Pro Max
और 62% पे है Realme X2, 70% पे है सैमसंग का गैलेक्सी M21। और अब हम करने वाले हैं कंटिन्यूस 1 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि हम करने वाले हैं फ्रंट कैमरे से, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1080 पिक्सल के साथ में 30 FPS। और दोस्तों फ़ोन्स को यूज़ करते हुए 4 घंटे और 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर आपको देखने मिल रहा है कि 35% पे आ गया है पोको X2, 34% पे आ गया है रियलमी 6, 46% पे आ गया है रियलमी 6 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स 56% पे, 47% पे है रियलमी X2 और M21 है 60% पर। और अब हम करने वाले हैं एक बार फिर से गेमिंग, जी हाँ पबजी गेम प्ले करने वाले हैं करीब 1 घंटे तक। चेक करते हैं कि इसके बाद हमें क्या बैटरी स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलता है। और दोस्तों आप सभी फोन में पबजी की ग्राफिक्स सेटिंग को भी चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 5 घंटे और 30 मिनट। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 20% पे आ गया है पोको X2, 18% पे है रियलमी 6, लगभग सेम बैटरी हमको देखने को मिल रहा है दोनों ही फ़ोन्स का, 32% पे है रियलमी 6 प्रो, 43% पे है रेडमी नोट 9 प्रो या फिर मैक्स, 33% पे है रियलमी X2 और 47% पे है सैमसंग का गैलेक्सी M21। और अब हम करने वाले हैं करीब 1.5 घंटे तक यूट्यूब प्लेबैक, कुछ 45 मिनट तक हम करेंगे म्यूज़िक प्ले और उसके बाद करेंगे वीडियो प्ले। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बैटरी स्टेटस देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट और 3% पे आ चुका है रियलमी 6, 7% पे है पोको X2, रियलमी 6 प्रो 20% पे है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 31% पे, 23% पे है रियलमी X2 और 34% पे है M21। और अब हम करने वाले हैं 1 घंटे तक म्यूज़िक प्ले और उसके बाद करेंगे टिकटॉक ऑन। और दोस्तों फर्स्ट फ़ोन ऑफ हो चुका है जो कि है रियलमी 6, जहां पे हमें स्क्रीन टाइम देखने मिला है 7 घंटे और 11 मिनट का। इससे आज हम यूज़ कर रहे थे 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, तो पहले से थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप हमको यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन हाँ अच्छा बैटरी बैकअप आप इसे कह सकते हैं क्योंकि इस फ़ोन में आपको देखने मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G90T चिपसेट, जो कि काम करता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। और दोस्तों 7 घंटे और 40 मिनट पे पोको X2 भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है, यहाँ पर हमें देखने मिलता है 4500 mAh का बैटरी। और आज इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे थे 120 Hz का रिफ्रेश रेट, तो हमें देखने को मिला है 7 घंटे और 40 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम, जहाँ पे स्नैपड्रैगन का 730G चिपसेट यूज़ किया गया है। दोस्तों फ़ोन्स को यूज़ करते हुए 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि 4% पे आ गया है रियलमी 6 प्रो, 20% पे आ गया है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, 13% पे आ गया है रियलमी X2 और सैमसंग गैलेक्सी M21 है 24% पे।
और दोस्तों Realme 6 Pro भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है। यहाँ पे मैंने देखने मिला है 8 घंटे और 20 मिनट का स्क्रीन टाइम। जब हमने पहले चेक किया था तो ये 8 घंटे और 50 मिनट था, क्योंकि वहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज़ हो रहा था और आज इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे थे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो भी मैं कहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर हमें अच्छा स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है। और Realme X2 ने हमें काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम दिया है, जी हाँ 8 घंटे और 55 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलता है एक सुपर एमोलेड पैनल, स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट और जो रिफ्रेश रेट है वो भी 60 हर्ट्ज़ है। तो 8 घंटे और 55 मिनट का स्क्रीन टाइम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस समय तक आप देख सकते हैं कि 9 और 12% का बैटरी रिमेनिंग है दोनों ही फोन्स में। और दोस्तों Redmi Note 9 Pro या फिर Max 9 घंटे और 25 मिनट के बाद कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है, जहां पर हमें देखने मिलता है 5020 mAh का बैटरी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ में आपको ये देखने को मिलता है। तो अच्छा स्क्रीन टाइम हमको यहां पे देखने को मिला है, जी हाँ ऐसा मैंने पहले Redmi का कोई भी फ़ोन नहीं देखा है जो कि आपको इतना बैटरी बैकअप दे। तो ये बैटरी के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला है। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 भी कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो चुका है, टाइम हमें देखने को मिला है 10 घंटे और 1 मिनट का, जी हाँ 10 घंटे का स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिला है M21 में, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 6000 mAh का बैटरी। दोस्तों सबसे पहले स्विच ऑफ हो गया था Realme 6 मिस नंबर 6 पे है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4300 mAh का बैटरी और यहाँ पे MediaTek का Helio G90T चिपसेट यूज़ किया गया है। और दोस्तों नंबर 5 पर आया है Poco X2, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4500 mAh का बैटरी और स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट। नंबर 4 पर रहा है दोस्तों Realme 6 Pro, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट, साथ में 4300 mAh का बैटरी। नंबर 3 पे है Realme X2, यहाँ पर बैटरी तो 4000 mAh का है लेकिन सुपर एमोलेड पैनल यूज़ होता है और यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट भी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप हमको देखने को मिलता है हमेशा Realme X2 का। और दोस्तों नंबर 2 पे रहा है Redmi Note 9 Pro या फिर Max, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 5020 mAh का बैटरी स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ में और यहाँ पर भी हमें एक IPS पैनल ही देखने को मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो का विनर होता है सैमसंग का गैलेक्सी M21, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 6000 mAh का बैटरी। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सैमसंग के फ़ोन ही हमें विनर देखने को मिल रहे हैं इस बैटरी इन कंपैरिजन वीडियोस में, क्योंकि दोस्तों सैमसंग इतनी बड़ी बैटरी के साथ में फ़ोन को लॉन्च कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर विनर तो होने ही वाला है, साथ में यहाँ पर हमें एक सुपर एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।